आपका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम ये डिजाइनर हैंडबैग स्टिच करेंगे। ये हैंडबैग बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ है और बहुत ही यूजफुल है। ये देखिए इस साइड से और इस साइड से बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ है। इसमें देखिए अंदर की साइड में काफी स्पेस है, अंदर की साइड में से काफी स्पेस है और एक इनर पॉकेट हमारी अंदर की साइड में है। इसके अपने सामान को आप अच्छे से सेट करते हुए रख सकते हैं। लॉक कर देंगे और बैक साइड में भी एक जिप से पॉकेट है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा डिजाइनर हैंडबैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए हम इस हैंडबैग को स्टिच करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वर्क। डिजाइनर हैंडबैग बनाने के लिए हमने 13x15 के 2 क्विल्टेड पीसेस लिए हैं। इसमें हमने देखिए मेन फैब्रिक और रबर शीट को लेते हुए साइड से स्टिच करके दोनों क्विल्टेड पीस को रेडी किया है और एक क्विल्टेड पीस को हमने देखिए शेप में कट किया है। इसे कैसे कट करना है अभी हम आपको कट करके बताएंगे। तो हमें 13x15 के 2 क्विल्टेड पीसेस लेने हैं और 2 हमें ये प्लेन पीसेस लेने हैं 13x15 के। और ये हमने 3.5x40.5 का देखिए एक क्विल्टेड पीस लिया है और ये हमने 2.5x28 का देखिए एक क्विल्टेड पीस लिया है और एक हमने ये प्लेन पीस लिया है मेन फैब्रिक का 2.5x28 का। 1x13.5 के ये हमें 2 क्विल्टेड पीसेस लेने हैं और ये हमें 7.5x14 के 2 क्विल्टेड पीसेस लेने हैं। 13.5 इंच की ये हमें जिप लेनी है और इसमें हमें सिंगल रनर लेना है और ये हमें 7.5 इंच की 2 जिप लेनी है और इसमें भी हमें दोनों में सिंगल रनर लेना है। सबसे पहले हम ये क्विल्टेड पीस लेंगे 13x15 का। ये 13 का साइड है और ये 15 का साइड है, तो 13 की साइड में हम एक साइड से यहाँ पर देखिए 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड से भी हम 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। और अब देखिए ये जो मार्क किया है इसको हमें इस कॉर्नर से मिलाते हुए देखिए ऐसे सेट करना है और ऐसे हमें सीधे मार्क करना है। इस साइड हमने देखिए मार्क कर लिया है और ऐसे ही हमें इस साइड भी मार्क करना है। ये जो मार्क किया है इसको हम इस कॉर्नर से मिलाते हुए सीधे मार्क कर लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए मार्क कर लिया है और अब देखिए फ्रेंड्स हम इस कॉर्नर पे आएंगे और इस कॉर्नर पे हम 1.5 इंच पे देखिए कॉर्नर से मार्क करेंगे और इस साइड से ये जो मार्क किया है मार्क वाली लाइन पे हमें 3 इंच पे डाउन करना है और इस साइड भी हम 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स ये जो हमने मार्क किया है इस साइड से हम यहाँ पर शेप में मार्क करते हुए 1.5 वाले मार्क में मिलाएंगे। इसके बाद ऐसे हम 3 इंच वाले मार्क में मिलाते हुए ऐसे शेप में मार्क करेंगे और इन दोनों कॉर्नर्स को देखिए मिलाते हुए इस साइड भी हम शेप में मार्क कर लेंगे। इस साइड भी देखिए मार्क हो गया है, इसको हम डार्क कर लेंगे। और अब हम इस साइड आएंगे और इस साइड पहले हम यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे 6.5 इंच पे सेंटर का मार्क करेंगे क्विल्टेड पीस में और यहाँ से सेंटर के मार्क से हम 3.5 इंच पे इसको डाउन करेंगे। ये हमने डाउन किया और ये सेंटर का मार्क है। और अब हम देखिए ये जो मार्क किया था हमने 1 इंच पे इस साइड से हम यहाँ पर शेप में मार्क करते हुए देखिए ऐसे हम मार्क करेंगे और इस पॉइंट पर मिलाते हुए ऐसे हम देखिए शेप में मार्क कर लेंगे। और अब देखिए इसको पहले हम डार्क करेंगे और अब हम इसको भी देखिए दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हुए यहाँ पर हम शेप में मार्क कर लेंगे। देखिए साइड भी मार्क हो गया है, इसको हम डार्क कर लेंगे। ये देखिए ये हमने शेप में मार्क कर लिया है और अब हम मार्क वाली लाइन पे स्टिच करेंगे। इसके बाद इस क्विल्टेड पीस को शेप में कट कर लेंगे। क्विल्टेड पीस को हमने देखिए स्टिच करके शेप में कट कर लिया है और अब ये दोनों पार्ट्स देखिए सेम साइज के रेडी हो गए हैं। कि ऐसे ही हमने इसको भी शेप में कट किया था, दोनों पार्ट सेम साइज के रेडी हो गए हैं। और अब हम ये वाला क्विल्टेड पीस लेंगे और ये हम 7.5x14 का प्लेन पीस लेंगे। इसको हम देखिए 7.5 इंच की साइड में हम यहाँ पर इसको फोल्ड करके सेंटर का मार्क करेंगे और सेंटर के मार्क से हम 1 इंच पे डाउन करेंगे।
अब देखिए हम सेंटर के मार्क से 3 इंच साइड से वही साइड से यानी हम 6 इंच पे सीधे मार्क कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए 6 इंच पे मार्क कर लिया है और अब हम मार्क वाली लाइन से 1/2 इंच हम देखिए इस साइड ऐसे सीधे मार्क करेंगे और इस साइड मार्क करते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। ये हमने देखिए बॉक्स बना लिया है और ये फोल्डेड पीस लेंगे, इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे। ये हमने देखिए सेंटर का मार्क कर लिया है और सेंटर के मार्क से हम यहाँ पर 1.5 इंच पे डाउन करेंगे और इस प्लेन पीस को हम सेंटर के मार्क से मिलाते हुए यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए प्लेन पीस को सेट कर दिया है और अब हम बॉक्स के चारों साइड से स्टिच करेंगे और प्लेन पीस को फोल्डेड पीस में अटैच कर देंगे। बॉक्स के चारों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को हमने देखिए अटैच कर दिया है और अब हम देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और जो सेंटर में मार्क किया था 6 इंच पे मार्क वाली लाइन पे ऐसे देखिए कट लगा लेंगे और अब हम सीधे कट करते हुए दोनों कॉर्नर्स में वी शेप में कट कर लेंगे। फोल्डेड पीस को हमने देखिए कट कर लिया है और इसको हम प्लेन पीस को देखिए बैक साइड में पिनअप कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए पिनअप कर लिया है और ये हम जिप लेंगे और जिप को हम देखिए फोल्डेड पीस में ऐसे रखेंगे और फ्रंट साइड में आएंगे। जिप को हम सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके फोल्डेड पीस में अटैच कर देंगे। राउंड में स्टिच करके हमने देखिए जिप को अटैच कर दिया है और अब हम पिन को ओपन कर लेंगे और ये जो प्लेन पीस है इसको हम देखिए ऐसे टर्न करेंगे। प्लेन पीस को हम देखिए 3 साइड से स्टिच करके लॉक कर देंगे और ये जो फोल्डेड पीस है इसको हम देखिए ऐसे हटाते हुए स्टिच करेंगे और प्लेन पीस को हम लॉक कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए स्टिच करके लॉक कर दिया है और फ्रंट साइड में ये जिप से पॉकेट बनके रेडी हो गई है। फ्रेंड्स जैसे हमने इस फोल्डेड पीस में पॉकेट को स्टिच किया है वैसे जो इसका प्लेन पीस है ये 13x15 का ये जो प्लेन पीस है और ये हम दूसरा प्लेन पीस 17.5x14 का जो प्लेन पीस है इसको लेते हुए इसमें हम ऐसे ही सेम इसमें पॉकेट को स्टिच कर लेंगे। तो इसमें हमने यहाँ पर देखिए कट करके यहाँ पर डाउन करते हुए पॉकेट को अटैच किया है तो इसमें हम इस साइड से पहले हम इसमें मार्क कर लेंगे और इस प्लेन पीस में हम देखिए यहाँ पर हम फोल्ड करके सेंटर का मार्क करेंगे और इस साइड हम यहाँ पर 6 इंच पे डाउन करके पॉकेट को इसमें अटैच करेंगे। प्लेन कैसे सेट करेंगे और इसमें हम पॉकेट को रेडी कर लेंगे। प्लेन पीस में भी हमने देखिए पॉकेट को स्टिच कर लिया है और अब देखिए फ्रेंड्स ये वाला फोल्डेड पीस लेंगे और इसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे। देखिए बैक साइड में हमें प्लेन पीस को ऐसे राइट साइड रखना है और इसको सेट करते हुए हमें राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस को फोल्डेड पीस में अटैच करना है और ऐसे ही जो दूसरा प्लेन पीस है क्योंकि ये जो प्लेन पीस है इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसमें भी राउंड में स्टिच करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम शेप में कट कर लेंगे। दोनों फोल्डेड पीसेस पे हमने देखिए बैक साइड में प्लेन पीस को अटैच कर दिया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हमने देखिए शेप में कट कर दिया है और अब देखिए हम 1x13.5 के ये दोनों फोल्डेड पीसेस लेंगे और 13.5 इंच की जिप लेंगे। जिप को हम देखिए फोल्डेड पीस में ऐसे रखेंगे, दोनों राइट साइड एक साइड में ऐसे रखते हुए हम स्टिच करके अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब स्लाइड देंगे और जिप की दूसरी साइड में इस फोल्डेड पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। जिप को हमने देखिए दोनों पार्ट्स में अटैच कर दिया है और अब हम देखिए ये फोल्डेड पीस लेंगे 3 और इस फोल्डेड पीस में हम देखिए एक साइड से यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके सेंटर का मार्क करेंगे और ऐसे इस साइड भी फोल्ड करके सेंटर का मार्क कर लेंगे और ये जो जिप वाला पार्ट है ये जो जिप है ये इस फोल्डेड पीस का सेंटर का मार्क है तो जिप को हम इस सेंटर के मार्क से मिलाते हुए यहाँ पर हम पिनअप करेंगे और इसमें हम देखिए इस साइड ऐसे मार्क कर लेंगे और इसको हम इस साइड से ऐसे मार्क कर लेंगे और ऐसे ही इस फोल्डेड पीस पे भी देखिए मार्क कर लेंगे दोनों साइड से। इसमें हमने देखिए दोनों साइड में मार्क कर लिया है और अब हम देखिए ये जो मार्क किया है मार्क वाले पॉइंट को हम 5 इंच पे डाउन करते हुए देखिए ऐसे हम
मार्क कर लेंगे साइड से, और ऐसे इस साइड भी 5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। कुटेड पीस में मैंने देखिए दोनों साइड से मार्क कर लिया है, और अब हम मार्क वाली लाइन पे स्टिच कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम दोनों साइड से कट कर लेंगे। कुटेड पीस पे मैंने देखिए स्टिच करके इसको कट कर लिया है, और अब देखिए फ्रेंड्स ये हम जिप वाला पार्ट लेंगे, और इसमें हम पहले जिप में रनर डाल देंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है, और अब ये हम पाइपिंग लेंगे। ये हमने 1.5 इंच की पाइपिंग ली है, और पाइपिंग को हम बैक साइड में देखिए ऐसे रखेंगे, और इस साइड हम स्टिच कर देंगे, और ऐसे इस साइड भी पाइपिंग को हम स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। पाइपिंग को हमने देखिए दोनों साइड से बैक साइड से देखिए अटैच कर दिया है, और अब हम देखिए पाइपिंग को ऐसे ओपन करेंगे, और इसको हम डबल फोल्ड करते हुए स्टिच टाइप पे ऐसे रखेंगे, और स्टिच करके लॉक कर देंगे, और ऐसे इस साइड भी पाइपिंग को हम स्टिच कर देंगे। पाइपिंग को हमने दोनों साइड से देखिए डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर दिया है, और अब हम इसको देखिए जिप वाले पार्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे और पिन अप कर लेंगे। इसको हम ऐसे प्रेस करते हुए दोनों साइड से इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स एक कुटेड पीस लेंगे, और इसमें हमने यहाँ पर ये सेंटर का मार्क किया था, तो इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे। ये जो सेंटर का मार्क है, और इस मार्क को दोनों मार्क को मिलाते हुए यहाँ पर हम पिन अप करेंगे। जिप वाले पार्ट को हम देखिए सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे हम इस साइड से ऐसे स्टिच कर लेंगे, और ऐसे ही इस साइड से स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट्स को हमने देखिए सेंटर से ऐसे स्टिच किया है, और ऐसे स्टिच करके देखिए अटैच कर दिया है। जिप का जो राइट साइड है वो अपर के साइड में होगा, और अब हम ये पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग को हम देखिए यहाँ पर ऐसे रखेंगे, देखिए बैक साइड में ऐसे रखते हुए ऐसे हम शेप में स्टिच करके अटैच कर देंगे। पाइपिंग को हमने देखिए जिप वाले पार्ट में ऐसे रखते हुए स्टिच कर लिया है कुर्ते पीस में, और अब देखिए जो शेप दिया है यहाँ पर स्टिच लाइन को बचाते हुए हल्का हल्का हम कट लगा लेंगे। इस साइड हमने देखिए कट लगा लिया है, और पाइपिंग को हम देखिए ऐसे ओपन करेंगे, और इसको भी हम देखिए डबल फोल्ड करते हुए ऐसे सेट करेंगे, और स्टिच लाइन पे रखते हुए ऐसे हम शेप में स्टिच करके पाइपिंग को अटैच कर देंगे इसमें। पाइपिंग को हमने देखिए स्टिच कर लिया कुंटेड पीस में, ये देखिए ऐसे हमारा सेट हो जाएगा जिप वाला पार्ट। इसमें जैसे हमने इस साइड इस जिप वाले पार्ट को अटैच किया है, वैसे ही जो इसका दूसरा पार्ट है उसको हमें दूसरी साइड में अटैच करना है, तो इसको भी हम देखिए इस साइड जो सेंटर का कट लगाया है और इसमें जो सेंटर का कट है दोनों कट्स को मिलाते हुए पिन अप करेंगे, और इसको भी हम देखिए सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे हम स्टिच कर लेंगे, और ऐसे इस साइड स्टिच करके अटैच कर देंगे, और जो स्टिच लाइन है ये जो स्टिच लाइन है इसको हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। जैसे इस साइड हमने स्टिच किया है पाइपिंग को, वैसे ही इसमें भी हम स्टिच करके अटैच कर देंगे। इस साइड भी हमने जिप वाले पार्ट को देखिए इसमें अटैच कर दिया है, और स्टिच लाइन को देखिए पाइपिंग से कवर कर दिया है, और ये पार्ट देखिए ऐसे हमारा जिप वाला रेडी हो जाएगा इसमें। और अब देखिए हम ये क्वल्टेड पीस लेंगे 3.5 बाय 40.5 का, जिसको हमने कट किया था शेप में स्टिच करके, और ये हम 2.5 बाय 28 का क्वल्टेड पीस लेंगे और मेन टैप देख लेंगे। और ये क्वल्टेड पीस का रॉन्ग साइड वाला पार्ट है, इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, देखिए ऐसे हम सेट करते हुए, और ये जो मेन फैब्रिक है इसका जो राइट साइड है, और ये क्वल्टेड पीस का राइट साइड एक साइड में देखिए ऐसे रखते हुए हम इस साइड से अटैच कर देंगे, और ऐसे ही इस मेन फैब्रिक को और इस पार्ट को दूसरी साइड में भी सेट करते हुए दोनों पार्ट्स को हम अटैच कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए प्लेन पीस और क्वल्टेड पीस को लेते हुए स्टिच कर लिया इसमें, और अब हम देखिए ये जो प्लेन पीस है इसको हम इस साइड क्वल्टेड पीस की साइड में ऐसे टर्न कर लेंगे। देखिए ऐसे हमें टर्न करना है, और इसमें पहले पिन अप करना है। पिन से हमने देखिए प्लेन पीस को इसमें सेट कर दिया है, और अब हम देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दाब सिलाई देते हुए ऐसे हम सीधे स्टिच करेंगे, और इस साइड से भी दाब सिलाई देते हुए प्लेन पीस को हम क्वल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। क्वल्टेड पीस पे हमने दोनों साइड से देखिए दाब सिलाई देते हुए ऐसे हमें सीधे स्टिच करके अटैच कर दिया प्लेन पीस को।
ये जो पार्ट है ये हमारा फ्रंट साइड में अपर की साइड में आना चाहिए। और अब हम दोनों स्टिच लाइन को देखिए मिलाते हुए, देखिए फ्रेंड्स इस साइड से थोड़ा सा क्विल्टेड पीस का एक्स्ट्रा पार्ट है, इस पार्ट का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको हम कट कर लेंगे, हल्का सा हमें कट करना है। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने देखिए दोनों साइड से हल्का सा कट कर लिया है और अब हम दोनों स्टिच लाइन को मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। क्विल्टेड पीस को हमने देखिए पिन से सेट कर दिया है और इस साइड हम क्विल्टेड पीस को देखिए प्रेस करते हुए दोनों साइड से इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। इसमें हमने सेंटर का मार्क कर लिया है और अब देखिए हम पिन को ओपन कर लेंगे और ये हम क्विल्टेड पीस वाला पार्ट देंगे और इस क्विल्टेड पीस को भी हम देखिए दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हुए बॉटम की साइड में यहाँ पर देखिए सेंटर का मार्क करेंगे, ऐसे सेट करके भी एक कट लगा लेंगे। दोनों साइड से हमने देखिए सेंटर का कट लगा लिया है और इस पार्ट को हम देखिए ऐसे रखेंगे। दोनों कट्स को मिलाते हुए हम देखिए ऐसे पिनअप कर लेंगे और इस क्विल्टेड पीस को भी हम देखिए सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे हम यहाँ पर ऐसे शेप में स्टिच करते हुए साइड से और ऐसी दूसरी साइड से स्टिच करके दोनों पार्ट्स को हम अटैच कर देंगे। क्विल्टेड पीस को हमने देखिए सेंटर से ऐसे इस साइड से और ऐसे दूसरी साइड से स्टिच करके अटैच कर दिया है। देखिए ये जो हमने जिप वाले पार्ट पे पाइपिंग अटैच की है, देखिए इसको हमें ऐसे यहाँ पर सेट करते हुए अटैच करना है। ये देखिए ऐसे हमें अटैच करना है। जैसे हमने इस साइड क्विल्टेड पीस को अटैच किया है वैसे इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम दूसरी साइड में अटैच करेंगे। इसको हमें ऐसे सेट करते हुए पहले सेंटर के मार्क से मिलाते हुए ऐसे सेट करना है और इसको भी सेंटर से हम देखिए ऐसे इस साइड से और ऐसी दूसरी साइड से स्टिच करके अटैच कर देंगे। इस पार्ट को भी हमने सेंटर से ऐसे और ऐसे दोनों साइड से स्टिच करके अटैच कर दिया। देखिए ये पार्ट हमारा इसमें ऐसे सेट हो जाएगा दोनों साइड से। और अब देखिए फ्रेंड्स ये जो स्टिच लाइन है इस साइड हमने दाग सेट दी थी, इसकी हम बैक साइड से अंदर की साइड से हम यहाँ पर इस साइड से हम देखिए यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। स्टिच लाइन से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है और ऐसे ही इस साइड भी स्टिच लाइन से हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और ये जो हैंडल है, हैंडल की जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है उसको हमें थोड़ा कम करना है। तो इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे ऐसे फोल्ड करना है हमें और यहाँ पर फोल्ड करते हुए सेंटर का मार्क कर लेंगे। ऐसे हम दूसरे वाले पॉइंट तक फोल्ड करते हुए सेंटर का मार्क करेंगे। इस साइड हमने देखिए फोल्ड करते हुए सेंटर का मार्क कर लिया क्विल्टेड पीस में और अब हम सेंटर के मार्क से पौना इंच देखिए इस साइड मार्क कर लेंगे। पौना इंच पे हमें मार्क करना है, देखिए ऐसे मार्क करना है और ऐसे इस साइड भी सेंटर के मार्क से पौना इंच पे मार्क करके हम स्टिच करके जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे। क्विल्टेड पीस पे जो मार्क किया था मार्क वाली लाइन से हमने देखिए स्टिच करके इस साइड से देखिए इस क्विल्टेड पीस को लॉक कर दिया है और ये जो पार्ट है जिस साइड से हमने यहाँ पर 1.5 इंच मार्क किया था यहाँ से हमें ऐसे देखिए शेप में स्टिच करते हुए इसको हमें लॉक करना है। इसके बाद अब हम जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर लेंगे। दोनों साइड से हमने देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया है। देखिए इस साइड से हमें ऐसे शेप में स्टिच करके लॉक करना है क्विल्टेड पीस को दोनों साइड से। और अब देखिए हम ये जो जिप वाला पार्ट है इसकी जो पाइपिंग है पाइपिंग के ऊपर स्टिच करके इस साइड से हम अटैच कर देंगे और ऐसे ही इस साइड से क्विल्टेड पीस में हम स्टिच करके अटैच कर देंगे जिप वाले पार्ट को। दोनों साइड से हमने देखिए पाइपिंग के ऊपर स्टिच कर लिया है और इस साइड से ये जिप वाला पार्ट जो है लॉक हो जाएगा दोनों साइड से। और अब हम देखिए ये जो स्टिच लाइन है दोनों साइड से इसको हमें पाइपिंग से कवर करना है। तो ये हम पाइपिंग लेंगे, पाइपिंग को हम बॉटम से देखिए ऐसे रखेंगे, ऐसे रखना है और ऐसे हमें पूरा हैंडल से लेते हुए ऐसे राउंड में स्टिच करके इस साइड से और ऐसे दूसरी साइड से हम
स्टिच प्लांट को पाइपिंग से कवर कर दें। स्टिच लाइन को हमने देखिए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से पाइपिंग से कवर कर दिया है और अब हमारा ये डिजाइनर हैंड बैग बन के रेडी हो गया है। देखिए इस साइड से हम जिप को ओपन करेंगे, इसमें देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है, ये देखिए कितनी स्पेस है इसमें, और एक इनर पॉकेट हमारी इस साइड है, इसको हम जिप से लॉक करेंगे और बैक साइड में एक जिप से पॉकेट है और इस हैंडल से हम इसको शोल्डर से कैरी करेंगे। फ्रेंड्स ये बैग बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, बहुत ही यूजफुल है, इसको आप जरूर स्टिच करिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई मोटा फैब्रिक हो तो उस फैब्रिक से आप इस बैग को प्लेन पीस से स्टिच करिएगा, रबर शीट या फोम यूज ना करिएगा, उसमें सिर्फ प्लेन पीस को, देखिए मेन फैब्रिक और लाइनिंग को लेते हुए ऐसे ही सेम इसी मेथड से आप बैग को स्टिच करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत बैग स्टिच होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा डिज़ाइनर हैंडबैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, बाय बाय।